ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, खबर करनाल से है। करनाल में अलग अलग मंडियों के अंदर धान खरीद के वक्त धांधली करने के मामले में अब कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाजगिरी है। धान खरीद के वक्त धांधली के आरोपों के बीच अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने मंडी बोर्ड के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें करनाल के 8 अधिकारी और कर्मचारी शामिल है। करनाल के डीसी ने यह जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि करनाल में अलग अलग मंडियों के अंदर धान खरीद के वक्त धांधली देखने को मिली थी, जिसमें कई राइस मिलर्स के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। सीएम फ्लाइंग ने अलग अलग मंडी बोर्ड के, मार्केटिंग बोर्ड के कमेटी के जो दफ्तर हैं वहां जाकर तफ्तीश भी की थी, जिसमें जुंडला अनाज मंडी के सचिव को सस्पेंड कर गिरफ्तार भी किया गया था। किसी सोर्स के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 15 नवंबर को जो हमारी जो जीरी की फसल जो उस मंडी में आ रही थी, तो उसके जिस तरीके से गेट पास कटने चाहिए मंडी में एंट्री होते वक्त, तो उस तरीके से वो कट नहीं रहे थे। तो इसके लिए पंचकुला में जो हमारे CHSMB है, जिनके अधीनस्थ सभी प्रदेश की मंडी आती हैं, तो उनके द्वारा स्पेशल एक कमेटी गठित करी गई, एक टीम भेजी गई, जिन्होंने पाया है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी, और उसके अनुसार उन्होंने जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन था, वो जो कंसर्न जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट में लिया है। कौन कौन सस्पेंड हुआ सर इसमें? मंडी सेक्रेटरी समेत 8 अधिकारी हैं। हाँ, इसमें टोटल 8 अधिकारी हैं, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनकी सर्विसेज भी टर्मिनेट करने के ऐसा हमको आदेश पारित करे गए हैं। तो कुछ जिला लेवल पर कोई केस भी रजिस्टर होगा आने वाले दिनों में? वो देखिए, वो क्योंकि मैंडेट उनका है, मैं उनके साथ में डिस्कस करके आगे का जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो डिस्कस करने के उपरांत ही फाइनल कर पाएंगे और आपको सूचित कर पाएंगे। और खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है, जहां पर आहिर रेजिमेंट के नाम पर उपद्रव और दबंगई का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में कुछ आंदोलनकारी युवा गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से 2 आरोपियों को फरार करवाते हुए दिखाई दिए हैं। ये दोनों आरोपी न केवल आहिर रेजिमेंट के मुख्य आयोजनकर्ता थे, बल्कि इन्हें बिना अनुमति के नेशनल हाईवे जाम करने और युवाओं को भड़काते हुए पुलिस गिरफ्त से आरोपियों को फरार करवाने के लिए हिरासत में लिया गया था। और जब इन्हें मानेसर थाने ले जाया जा रहा था, तभी आक्रोशित युवाओं ने पुलिस बस के आगे जाम लगाकर अवैध तरीके से बस को रोक दिया और 2 आरोपियों को मौके से फरार करवा दिया। बहरहाल पुलिस ने वायरल वीडियो और मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों के आधार पर उनके बयान दर्ज कर लिए हैं और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।